शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सेनापति के हुक्म का पालन कर रहा था। सेनापति कौन? वो मस्करा? वही वही। चलें। लड़की मुझे लड़की चाहिए। मेरा नशा भी सारा उतर गया। सिपाहियों मुझे लड़की चाहिए, अभी के अभी चाहिए। आ गई सेनापति जी। किधर है? मैं यहाँ हूँ सेनापति जी। ये तो जरा बड़ी है। अरे तुम सब क्या यहाँ खड़े देखते रहोगे? हाँ। बाहर जाओ, बाहर जाओ, चलो 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 चलो। तकलिया तुमको बाद में मिलती हूँ। शर्म आती है इन बेवकूफ सिपाहियों से। मैंने बेशरम लड़की लाने के लिए कहा था, शर्मीली पता नहीं कहाँ से पकड़ ला है। अभी कुंवारी हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, उठा दे घूंगा, दिखा दे चेहरा। सिर्फ चेहरा देखोगे? अरे वाह, तू तो काफी तेज है। उठा दे घूंघट, दिखा दे जलवा। उठा दे घूंघट, दिखा दे जलवा। पहले बत्ती तो बुझाओ। रोशनी बुझा दूंगा तो तुझे देखूंगा कैसे? मैं देखने की नहीं, छूने की चीज। मेंढक की तरह फुटको मत और अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद मैं अंधा हो गया। चलो बैठ जाओ। तुम भी बैठो ना मेरे पास। ये लो बैठ के। वजनदार हूँ ना। नहीं, तुम बड़ी भी और भारी भी। बहुत धीरज रखिए सेनापति जी, धीरज रखिए। धीरे से जाना बगियन में हो सेनापति जी, धीरे से जाना बगियन में। ये क्या था? बोसा। बोसा? बोसे की इतनी आवाज। इसे घन गरज बोसा कहते हैं। क्या कहते हैं? घन गरज बोसा। अरे अरे, ये क्या है? मेरी आगोश। इतनी जबरदस्त। इसे पत्थर तोड़ आगोश कहते हैं। पत्थर तोड़। अरे आज तक तो अंदर से सिर्फ लड़कियों के चीखने की आवाज आती थी, आज सेनापति जी की चीखने की आवाज। शायद कली के साथ कुछ कांटे आ गए होंगे। कांटा? हथियार निकालू क्या? अरे मुझे गिरा क्यों दिया? अब तो मैं बहुत कुछ करूंगा। मैं करूंगी। ए, ये क्या है? मेरी जुल्फे। जुल्फे? हाथों पर? ऐसी काली काली जुल्फे मेरे पूरे बदन पर है सेनापति जी। तू लड़की है या भालू? देखोगे? अरावली का राजकुमार। ये तुम्हारा साथी है ना, इतने कहो मुझे छोड़ दे। पहले कसम खाओ कि आज के बाद किसी लड़की पर नजर नहीं डालोगे। कसम खाता हूँ।
कसम खाओ कि आज के बाद किसी बेबस पर हाथ नहीं उठाओगे। कदम खाता हूँ, कदम खाता हूँ, अब तो छोड़ दो। छोड़ देंगे, पहले कुछ सवाल। तुर्किस्तान में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? कौन है भाई? भूगोल के उस्ताद अली साहब। अच्छा, भूगोल के उस्ताद जी। आदाब अर्ज़। और मैं इतिहास पढ़ाता हूँ। पानीपत की चौथी लड़ाई तीसरे के बाद हुई थी या पहले? मुझे क्या मालूम, मैं तो बहुत देर से पैदा हुआ था। मेरे होश में आने के बाद का कोई सवाल पूछो तो मैं बताऊं। थंबोर के महाराज की हत्या किसने की थी? थंबोर के महाराज, अच्छा समझ गया, आप लोग मुझसे भाई साहब का नाम उगलवाना चाहते हैं। भाई साहब कौन? अरे भाई साहब को नहीं जानते? ये भाई साहब को नहीं जानते? अरे दुर्जन सिंह, थंबोर के महामंत्री। तो तुम्हारे भाई साहब ने थंबोर के महाराज की हत्या की? भाई साहब को पता चल गया कि मैंने ये बता दिया तो मुझे बहुत मारेंगे। मैं और कुछ नहीं बताऊंगा। जाने दीजिए राजकुमार, ये तो बहुत ही बेवकूफ और बेअक्ल आदमी है। ठीक है, किसी अकलमंद आदमी से? मैं बेवकूफ बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बहुत अकलमंद हूँ, मुझे बहुत कुछ पता है, मुझे आगे का भी सब कुछ पता है। क्या पता है? मुझे पता है कि भाई साहब थंबोर के महाराज बनने वाले हैं। राजकुमारी को कैद करके? राजकुमारी से विवाह करके। जैसे राजकुमारी मान जाएगी? मानेंगे कैसे नहीं, इसीलिए तो भाई साहब उन्हें वो तिलिस्मी घुंघरू भिजवाने वाले हैं जिन्हें पहनकर राजकुमारी जन्माष्टमी पर नृत्य करेगी। जन्माष्टमी पर? और घुंघरू पहनते ही राजकुमारी भाई साहब के वश में हो जाएगी। अरे तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसे कोई घुंघरू थोड़ी होते हैं। होते कैसे नहीं है? वाह वाह, होते कैसे नहीं है? उस दिन भाई साहब ने राजकुमारी के हमाम में वो तिलिस्मी इत्र नहीं मिलवाया था? भाई साहब ने? वो तो भाई साहब की बदकिस्मती के ऐन वक्त पर आप वहां पहुंच गए, नहीं तो आज राजकुमारी मेरी भाभी होती और मैं महामंत्री। आप लोगों का इतिहास बहुत अच्छा है और तुम्हारा भूगोल बहुत खराब है। खुशी हुई ना मुझे देखकर? आपकी तलवार मेरे दिल की मेहमान बने मुझे खुशी होगी, लेकिन उससे पहले आपसे एक बात करना बहुत जरूरी है। अरावली की मक्कारी का एक और सबूत देना चाहते हो? आप मेरी जबान को एक मौका तो दीजिए, मैं आपकी तलवार को हजार मौके दूंगा। इससे पहले कि हम तुम्हें खत्म कर दें, जो कुछ कहना है जल्दी कहो। इसके लिए आपको मेरे दिल के और करीब आना होगा। राजकुमारी, मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं, और मोहब्बत की कसम, आपके पिता की हत्या में मेरे पिता का कोई हाथ नहीं था, यह साजिश आपके महामंत्री की थी। नामुमकिन। मैं सच कह रहा हूं राजकुमारी, और इस वक्त भी एक साजिश आपके महामंत्री के नापाक इरादे को लेकर आपके कमरे की तरफ बढ़ रही है। कौन सी साजिश? तिलस्मी घुंघरू राजकुमारी, तिलस्मी घुंघरू जिन्हें पहनकर आप जन्माष्टमी के उत्सव पर नाचेंगे और बाद में महामंत्री के इशारे पर। आप वो घुंघरू हरगिज़ नहीं पहनेंगे राजकुमारी, हरगिज़ नहीं। हम वो घुंघरू जरूर पहनेंगे। मेरा विश्वास कीजिए राजकुमारी, मैं भी वहां मौजूद रहूंगा। अगर मेरी बात गलत साबित हुई तो आप मेरा सर कलम करवा सकती हैं। आपका दिल नहीं जीत सका तो अपना सर देकर जाऊंगा राजकुमारी, मगर मोहब्बत को रुसवा होने नहीं दूंगा। चलता हूं। राजकुमारी जी, महामंत्री ने आपके लिए घुंघरू भेजे हैं।